हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास जेन का सिम कार्ड है और आप जो है मालूम करना चाहते हो कि आपका सिम कार्ड पोस्टपेड है कि प्रीपेड सिम कार्ड है, आप कैसे मालूम कर सकते हो। दोस्तों, कई बार जो है लोगों को जो है डाउट रहता है कि मेरे पास जो जेन का सिम कार्ड है कहीं बिल वाला तो सिम कार्ड नहीं है, हम जैसे कि बात कर रहे हैं चाहे नेट यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हम चला रहे हैं फ्री में चाहे इंटरनेट चाहे कोई भी चीज, तो पैसा तो नहीं कट रहा है। इसके वजह से जो लोग सोचते हैं कि अगर बिल वाला सिम कार्ड होगा तो मैं अगर घर जाता हूं तो एयरपोर्ट पे कहीं पैसा तो नहीं देना पड़ेगा सिम कार्ड के लिए, तो एक टेंशन होता है सभी का दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको जो डाउट है, जैसे कि आपका जो टेंशन है, क्लियर हो जाएगा। आप जो है अपना टेंशन दूर कर सकते हो कि आपका सिम कार्ड जो है प्रीपेड सिम कार्ड है कि पोस्टपेड सिम कार्ड है जेन का। तो कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो है जेन के सिम पे एक मैसेज भेजना है। तो आपको जो है मैसेज पे क्लिक कर देना है, नीचे आपको चैट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ऊपर आपको लिख देना है 959 और सेंड टू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आपको पहली बात एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको इसको दबा के आपको कैपिटल कर लेना है, जितने भी जो आपको लिखना है कैपिटल में। तो लिखना है बी और डी और मैसेज को आपको सेंड कर देना है। सेंड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, एक मैसेज आपको मिलेगा। टाइम लगता है, कभी 2 सेकेंड में आ जाता है, कभी 3 सेकेंड में। तो दोस्तों मेरा जो है आ चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसके नाम पे सिम कार्ड होगा उसका जो है नाम आ जाएगा और यहाँ पे टोटल बिलिड, मतलब मेरा जो सिम कार्ड है दोस्तों ये बिल का सिम कार्ड है, मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले ही। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो है बैलेंस और इंटरनेशनल कॉलिंग, ये बैलेंस रोमिंग 00 रियाल बता रहा है। तो दोस्तों ये बिल वाला सिम कार्ड है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से अगर आपके मैसेज आता है बी और डी भेजने पे, मैसेज को सेंड करने पे, इस तरीके से अगर आपको मैसेज मिलता है तो समझ लीजिए आपका जो है बिल का सिम कार्ड है। अगर दूसरे तरीके से आता है कुछ इस तरीके से, तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपका जो है बिल का सिम कार्ड नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला भी बनता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दिया पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, एम करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।